मेक इन इंडिया सप्ताहात संरक्षण दलाचं दालन सर्वांचं विशेष लक्ष वेधून घेत होतं. संरक्षण दलाच्या संशोधन आणि विकास विभागाचं संशोधन इथे मांडण्यात आलं होतं. यात अनेक उपकरणांचा समावेश होता. गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तयार केलेली लेझर गन, अत्याधुनिक दुर्बीण आणि AK-47 पेक्षा अत्याधुनिक रायफल यांचा यात समावेश आहे. याविषयीची अधिक माहिती तुमच्यापर्यंत घेऊन आलेत आमचे प्रतिनिधी दीपक भातुसे. भारतीय संरक्षण दलाच्या संशोधन विभागाने अनेक नवीन उपकरणं संशोधित केलेली आहेत आणि ही उपकरणं प्रामुख्याने सीमेचं जसं रक्षण करतील तसं देशांतर्गत सुरक्षेसाठी सुद्धा ही उपकरणं महत्वाची ठरणार आहेत. याच्यातल्या काही उपकरणांची आज आपण मेक इन इंडियामध्ये माहिती घेणार आहोत. प्रामुख्याने ही जी बंदूक दिसते ही आहे लेझर गन आणि ही लेझर गन गर्दीवर नियंत्रण मिळवते. त्याचबरोबर हे दुसरं उपकरण ही दुर्बीण आहे. ही दुर्बीण जवळपास 18 किलोमीटर अर्धा किलोमीटर परिसरात एखादा माणूस बंदूक घेऊन लपलेला असेल VIP सिक्युरिटीच्या परिसरामध्ये तर त्याला शोधण्याचं काम करते. ह्या दोन्ही उपकरणं कशी काम करतात ते आपण देवेंद्र शर्मा जे संरक्षण दलाचे त्यांच्याकडनं जाणार घेणार आहोत. देवेंद्र जी, हे कैसे काम करते ये गन, जरा इसका डेमो आप दिखाएंगे हमें. सिव्हिलियन ऍप्लिकेशन इसका क्राउड कंट्रोल ये यूज कर सकते हैं. जैसे कि कभी पब्लिक प्रोटेस्ट में होती है, कुछ तोड़फोड़ मचा रही है, तो नॉर्मली हम देखते हैं कि हम वाटर कैनन यूज करते हैं या फिर हम जो है वो टीयर गैस फोड़ते हैं, तो लेकिन उससे उनको नुकसान होने का चांस रहता है. तो हम क्या करते हैं कि इसका ये जैसे ये गन है ऐसा ही एक सिस्टम जो है एक बड़े से व्हीकल के ऊपर लगा के रखते हैं. तो हम जब उस लेजर को हम जब उनकी तरफ छोड़ते हैं पब्लिक की तरफ तो एक बड़ा सा स्पॉट बनता है. उसकी लाइट इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है कि लोग जो है 5 मिनट के लिए टेम्परली जो है उनको कुछ दिखाई नहीं देता है. बेसिकली वो आँख नहीं खोल अपनी खुली रख पाते बिकॉज वो इतना इंटेंसिटी पावर बहुत रहती है उस लेजर की. तो इस वजह से जो है वो हमको टाइम मिल जाता है 5 मिनट का कि हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं. भारतीय संरक्षण दलाने अजून एक महत्वपूर्ण यंत्र बनवलेलं यंत्र म्हणता येणार नाही, रायफल आहे. AK-47 पेक्षा पॉवरफुल रायफल आहे आणि जगातील एक वेगळी रायफल असं म्हणावं लागेल. या संदर्भात आपण माहिती घेणार आहोत N. Prasad जे संरक्षण दलाचे आहेत. N. Prasad जी, हमें बताइए ये रायफल अलग जो दूसरा रायफल हम लोग यूज कर रहे हैं उससे क्या इसमें अलग है. इसका खासियत यह है कि ये जो है मल्टी कैलिबर वेपन है. इसमें हम तीन तरह के जो है राउंड फायर कर सकते हैं, 5.56 मिलीमीटर, 7.62 मिलीमीटर और एक नया कैलिबर जो है हम जो है 6.8 मिलीमीटर जो कि अभी किसी के पास नहीं है. तो वो तीन तरह के बाई चेंजिंग द बैरल, इसको बैरल को और ब्रिज ब्लॉक को यहां से हम चेंज करके इसमें तीन तरह के वेपन फायर कर सकते हैं. इसके अलावा एक इसमें एड ऑन डिवाइस है जो कि हम यहां पर माउंट करके अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर है जिससे कि हम जो है एक ग्रेनेड भी फायर कर सकते हैं. दीपक बातुसे, जी मीडिया, मुंबई. जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.